बच्ची, 6 साला बच्ची ज़ैनब कसूर के अंदर रुक गई। 2 महीने की बच्ची के साथ सिना हुआ, माओ के साथ सिना हो रहे, साहिवाल के रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर साहिवाल के बच्चों के माँ बाप को कतल करके दहशतगर्द बनाकर किसी ने आज तक पूछा नहीं बना क्या। गरीब के बच्चे नहरों के अंदर छलांग लगाकर मर गए और यह हुक्मरान 20-30 लाख के अयाशियों की रोटी खाते हैं एक टाइम की। हेलीकॉप्टरों में सवारियां करते हैं, हमारे बड़ों ने सफेद तारियां कर दी बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर, मजदूरियां कर करके बच्चे को इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई PhD कर गया, PhD कर गया, कोई BSc कर गया, कोई MSc कर गया। क्या करें जब पढ़ लिख कर नौकरी की बात आती है तो नौकरी 50 लाख हो, 1 करोड़ हो तो रिश्वत दे के किसी की 20 हजार वाली नौकरी लगे। हमारे काबिल काबिल नौजवान दर बदर फिर नौकरियों के लिए नौकरियां ही नहीं है, और जलील अंडर मैट्रिक जो मैट्रिक पास भी नहीं है वो पंजाब का वजीर आने लगा हुआ। काबिल काबिल नौजवान दर बदर फिरे, बर्गर की दुकान खोले, शवारमे की दुकान खोले, जनरल स्टोर खोले, कपड़े की दुकान खोले, छोलों की रेडियां लगाए, और जो मैट्रिक पास भी ना हो वो वजीर आलम, जिन्हें दुआए कबूल ना आती हो वो पाकिस्तान के वजीर हो, जिन्हें पहला कलमा ना आता हो वो वजीर आजम हो। अलामा इकबाल कहते थे यार इश्क में अपना मकान पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर, खुदा का फितरत ते शनाख्त है तुझे, सकूत लाल और गुल से कलाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीन नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी इनाम पैदा कर। मिलत को बेच के रख दिया, बाकी किसी ने की। और जनाब मौलवी साहब, और मौलवी साहब सीधी सीधी सानू दसो, भाई हलवा खाओ और बिरयानियां खाओ और 70 साल हो गए खा तो रहे हो, अब हुजूर के दीन पर डाके पड़ गए तो हजम नहीं करना। इमाम जी एक सवाल है, वैसे अगर मस्जिद बनाने से जान छूटती होती तो इमाम हुसैन को मस्जिद छोड़ने, मस्जिद नबी छोड़ने की क्या जरूरत थी? मस्जिद में रहने से अकेली मस्जिद में जान छुड़वानी होती ना, इमाम हुसैन मस्जिद नबी ने छोड़ दे। अगर सिर्फ दरबारों में जान छुड़ानी होती ना, फिर इमाम हुसैन मुहम्मद खजरा ने छोड़ते। कायनात की सबसे खूबसूरत